आपने अभी कहा कि यू आर ऑलरेडी वर्किंग क्वीन, आपने करी है, कंगना को किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, लेकिन मणिकर्णिका के रिलीज के बाद कई विवाद खड़े हुए हैं, जहाँ सीनियर डायरेक्टर क्रिश या मिस्टी चक्रवर्ती की बात करूँ, ये वो ये उनका ये इल्ज़ाम है कि कंगना ने उनके रोल पूरा जो क्रेडिट है डायरेक्शन की जब बात करें तो क्रिश का ये कहना है कि पूरी फिल्म मैंने ही डायरेक्ट की थी, लेकिन मुझे मणिकर्णिका को रिलीज तक लाना था इसलिए मैं चुप रहा हूँ। जी टुडे यस्टरडे ही हैव गिवन द इंटरव्यू टू ऑल द टॉप पेपर्स एंड ऑल, नाउ टुडे मिस्टी चक्रवर्ती कमिंग द पिक्चर सेइंग द सेम थिंग, मिस्टी चक्रवर्ती, सॉरी आई डोंट इवन नो हु शी हैव डन कांची एंड ऑल, ओके शी इज अ पार्ट ऑफ, ओके सॉरी बिकॉज़ ऑफ माय लैक ऑफ, आई अपोलोजाइज फॉर माय लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन दिस सब्जेक्ट। आई नो क्रिश पर्सनली, आई हैवंट वर्कड विद हिम, बट क्योंकि हम एक ही इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं काफ़ी सारी बार मुलाकात हुई है। कंगना आई नो हर एज एन एक्टर, व्हाटएवर मैं उनका जो भी काम स्क्रीन पे देखा है, मैं सिर्फ एक बात कह सकती हूँ कि कंगना को कोई टच नहीं कर सकता एज एन एक्टर, शी इज़ बिन अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट परफॉर्मर एंड फैन भी हूँ और एडमायर भी करती हूँ। फिल्में बनाना, आप जो देखते हैं आपके सामने जो बातें आती हैं वो सिर्फ ऊपरी बातें आती हैं, जो फिल्में बनाने में जो एफर्ट जाता है, जो 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 श्रम जाता है, वो आई थिंक इट्स रियली नॉट एक्सप्लेनेबल इवन, एंड कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं सेट पे, यू कुड बी विथ योर डायरेक्टर, इट कुड बी विथ अदर टेक्निकल क्रू इन द फिल्म, बट फिल्में बननी हैं और रिलीज़ होनी हैं, एंड डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट इशूज़ वाइल दैट हैपन्स। क्रिश इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर, मैंने उनकी काफ़ी सारी फिल्में साउथ की देखी हैं। इट्स जस्ट एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जहाँ दोनों की मतलब उनकी अनबन हो गई है एंड इट्स नॉट वर्किंग आउट, बट क्रिएटिव लोगों के साथ ऐसा होता है, हम हमारा कोई मैथमेटिकल जॉब नहीं कि प्लस टू प्लस टू इज़ फोर, की इट्स नॉट दैट सिंपल, इट्स अ क्रिएटिव जॉब, तो लोगों को दो क्रिएटिव लोगों को सिंक होना चाहिए, और अगर किसी वजह से वो नहीं हो रहे, आई थिंक इट्स बेस्ट दैट ओनली द फिल्म शुड बी केप्ट इन इम्पॉर्टेंस एंड फिल्म की फिल्म जी जी क्योंकि मैं चाहता था फिल्म रिलीज हो, एब्सोल्युटली द फिल्म हैज टू बी गिवन द प्रायर इम्पॉर्टेंस पर्सनली जी, एंड यू नो कंगना इज एन एक्टर, सी आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर फॉर मी टू कमेंट बिकॉज़ आई हैव नॉट बीन इन द सेट, आई थिंक बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री आई ऑल द मोर फील, अगर आप सेट पे नहीं हो तो आपको सच्ची में क्या हो रहा है कभी भी मालूम नहीं हो सकता। आई रियली फील सैड कभी कभी कि मीडिया तक सिर्फ आधी बात पहुँचती है या जो बात बतानी जाए चाहिए वही बात पहुँचती है, बट बहुत सी चीज़ें होती हैं सेट पे जो इट्स रियली रियली हार्ड टू टेल एंड बट इट्स लाइफ, आई मीन यू हैव टू मेक अ फिल्म एंड यू हैव टू ब्रिंग इट आउट टू पीपल, क्योंकि आखिरी में ये फिल्में लोगों के लिए बन रही है एंड पीपल हैव टू वॉच इट, पीपल हैव टू लाइक इट, सो हु मेक्स इट, हाउ इट्स मेड, दैट जर्नी विल ऑलवेज बी अ मिस्ट्री। Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.